कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं, झूठ बोलकर इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो बेचारे को पता नहीं है, जैसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमले किए जा रहे हैं। बार बार तेजस्वी यादव द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में जब भी मोदी आते हैं, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करते हैं। बार बार तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए हमलों को लेकर के आज एक बार फिर से सम्राट चौधरी और चिराग पासवान एक हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से जो सवाल तेजस्वी यादव के द्वारा खड़े किए जा रहे थे, उस पर तेजस्वी यादव को जम के जवाब दिया है, तो वहीं चिराग पासवान भी इससे पीछे नहीं है। चिराग पासवान ने भी जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव पर हमले किए हैं। दोनों क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के बचाव में, आइए सुनाते हैं। आपके ऊपर तेजस्वी यादव ने फिर आरोप लगाया और कहा है आप दलित विरोधी हैं, आपने कार्रवाई करने की बात भी कही थी। क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो फालतू की बातों को उठाकर ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इन्होंने उस बयान को दोबारा अगर दोहराया है, जिस बयान को ये मेरे साथ जोड़कर ये कहते हैं, यकीनन हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी। क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। विकास का कोई काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया नहीं है। जनता के पास कहने दिखाने के लिए इनके पास है नहीं। और जिस तरीके से इनके प्रत्याशियों की हालत है, कई सीटों पर संभवतः उनकी जमानत तक नहीं बच पाएगी। इन बातों की घबराहट है कि वो बेचारे को पता नहीं है क्या कीजिएगा। जैसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, आई मंत्री बन के सोच रहे थे कि लूट लें बिहार को, उसी तरह इनको ज्ञान नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एम्स को 5 गुना एम्स बढ़ाने का काम किया, आईएम को बढ़ाने का काम किया, और पूरे देश में मेडिकल्स के सेक्टर में और स्कूलिंग के सेक्टर में पूरे ब्लॉक तक चीज़ों की चिंता किया। आज मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू प्रसाद वही रेल मंत्री हैं जो गोधरा में हमको फंसाना चाहते थे। तो लालू जी को, जिनको स्वयं जनता दल के लोगों ने फंसाया, जनता दल के लोगों ने जेल भेजवाया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऑर्डिनेंस फाड़वाया, तो आप समझ सकते हैं कि लालू जी कौन से कृत्य करने वाले हैं। संविधान और आरक्षण उनको सिर्फ चुनाव में याद आता है, कभी याद नहीं आता है। एक बयान बता दीजिए जब चुनाव के बाद लालू जी संविधान की बात करते हों, बाद में तो संविधान तोड़ने वाले ही लालू जी होते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।